वेलकम बैक टू माई चैनल। अब मैं वीडियो छोड़ रही हूँ बहुत ही दिनों के बाद, एज पर माई एग्जाम्स वेर गोइंग ऑन एंड अभी वो ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी मैं बना सकती हूँ वीडियो। तो आज मैं इसीलिए एक स्पेशल वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको मैं सिखाऊंगी कि कैसे हम एक फ़ोटो फ्रेम बनाएंगे, वो भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है जो कि आप टाइटल और थंबनेल से जान ही चुके होंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए आपको चाहिए होगा कोई भी एक कार्डबोर्ड। मैं यहाँ पर स्मॉल साइज़ का फ़ोटो फ्रेम बना रही हूँ, आप मीडियम बना सकते हैं, बिग बना सकते हैं। देन यू नीड राइस, आपको चाहिए ग्लू, कट पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड एज पर योर कार्डबोर्ड शेप, ऐसे आपको इसको कट करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे साइज होना चाहिए। देन यू नीड दिस साइज ऑफ पेपर और एल्स यू कैन टेक कार्डबोर्ड ओवर हियर। मैं क्राफ्ट करने के लिए एक स्पेशल चीज़ यूज़ कर रही हूँ जो है ये कैमल का पोस्टर कलर्स। सो ये बहुत ही रिच एंड डीप कलर्स इसमें होते हैं एंड वो कलर्स बहुत शाइन होते हैं एंड बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो मैं तो हर वक्त कैमल की चीज़ें ही यूज़ करती हूँ एंड मुझे कैमल की चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल उनके ऑयल पेस्टल कलर्स, मेरे जो भी ड्राइंग होते हैं मैं उनमें यही यूज़ करती हूँ। एंड नेक्स्ट इज आप पोस्टर कलर्स ऑफ कैमल जो मुझे बहुत ही अच्छा लगते हैं, उनमें से मैंने ये कुछ ड्राइंग्स भी बनाए हुए हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड आप उससे इनके कलर पेंसिल्स ले सकते हैं, इनका किट मिलता है वो वाला भी ले सकते हैं। एंड ये इनके कलर हिसाब से इनका प्राइस भी बहुत अच्छा है, ये ओनली 6 पोस्टर कलर्स ओनली 100 रुपीज़ है जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनमें 6 शेड्स हैं, यहाँ पर आप इसको खोल सकते हैं। एंड रहा इसमें व्हाइट, रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन कलर्स के मिलते हैं एंड ये सारी बॉटल्स 10 ml के होते हैं। तो इस क्राफ्ट के लिए मैं यूज़ करूँगी येलो कलर का पोस्टर कलर एंड ब्लैक कलर का पोस्टर कलर। यू कैन ऑल्सो यूज़ एनी ऑफ द कलर यू लाइक। तो जल्दी से जाइए मार्केट और ऑनलाइन एंड ऑर्डर कीजिए हमारे कैमल्स के कलर्स जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। लेट्स स्टार्ट। कार्डबोर्ड जिसको हम कट करेंगे इन साइज में, तो जल्दी से कट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ये हमने कट कर लिया है, अभी हम इसको ब्लैक पेन में कलर कर लेंगे। तो देखिए अभी ये मैंने अभी अभी इसको पेंट किया है, यानी कितने जल्दी सूख गया है। तो हमने अभी इसको ब्लैक कलर पेंट कर लिया है। अभी हमें लेना है अपना चावल एंड अपने फ्रेम पे हमें यहाँ पर ग्लू लगाना है। सो मैं यहाँ पर इसके हाफ में ही बस ग्लू लगा रही हूँ और हाफ में छोड़ दिया है, एज हम यहाँ पर और एक कुछ डिज़ाइन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कुछ अलग डिज़ाइन करने के लिए तो कर सकते हैं, मगर आई कैन टेल यू एंड आई एम श्योर योर डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। अब आपको सिंपली इसके ऊपर चावल लगा लेने हैं। सो फ्रेंड्स जब तक मैं चावल लगा रही हूँ आप जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अभी हमारे 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स करा लीजिए बिकॉज मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ 100 सब्सक्राइबर के लिए। तो प्लीज़ यार पहुंचा दीजिए। आई एम वेरी सॉरी कि मैं वीडियो नहीं बना सकी फॉर सम डेज एज पर माई एग्जाम्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो देखिए हमारे चावल हम यहाँ पर लगा दिए हैं एंड इनको हम ऐसे ऐसे डैप कर देंगे सो दैट जितना भी एक्स्ट्रा चावल है वो निकल जाएंगे। सो देखिए अभी हमारे एक्स्ट्रा चावल सब कुछ निकल चुके हैं, अब हम इसके ऊपर येलो कलर लगाएंगे चावल के ऊपर। सो मैं इसको एक टेक्सचर लुक देना चाहती हूँ तो इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, मगर अगर आप चाहें तो आप चावल को कलेक्ट करके इसके ऊपर डाल सकते हैं, वो भी आपको एक बहुत ही अच्छा फोटो फ्रेम को। आप इसके ऊपर गोल्डन कलर लगा सकते हैं बट मेरे पास गोल्डन कलर है नहीं इसलिए मैं यहाँ पर येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें रेड कलर, ब्लू कलर और भी कोई कलर यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। सो फ्रेंड्स जल्दी से जाइए, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, कमेंट में बताइए कि मैं बताइए कि मैं और क्या क्या अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ एंड ये कैसा लगा आपको वो भी कमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें एक टेक्सचर्ड वाला लुक आ गया है। सो फ्रेंड्स टेक्सचर्ड वाला लुक आ गया एंड ये बहुत अच्छा दिख रहा है अभी। तो अभी हम इसको थोड़ी देर सूखने देंगे क्योंकि चावल भी अभी थोड़ा थोड़ा सूखा नहीं है एंड पेंट को भी हम सूखने देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा जादू लाएंगे, मीन्स अट्रैक्शन लाएंगे। सो देखिए फ्रेंड्स ये सूख चुका है, अभी हम यहाँ पर थोड़ी अट्रैक्शन लाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर ली हूँ कुछ फ्लावर्स, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एंड फ्लावर चिपकाएंगे। आप यहाँ पर फ्लावर चिपका सकते हो, फैदर चिपका सकते हो एंड बहुत कुछ चिपका सकते हो जो आपको चलिए एंड आपके पास अवेलेबल है।
तो फ्रेंड्स अब मैं इनको सूखने देती हूँ। तो फ्रेंड अब इसको उल्टा कर लीजिए एंड यहाँ पर हमने आपको बताया था कार्डबोर्ड पीसेस लेने हैं, वो हम यहाँ पर भी चिपकाएंगे। तो मैं यहाँ पर रख लेती हूँ इनको अच्छे से साइज करके एंड हम इसको चिपका लेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको अभी चिपका लिया है यहाँ पर। तो अभी हम इस इसके ऊपर पेपर चिपकाने से पहले हम यहाँ पर ये वूल चिपकाएंगे सो दैट हम इसको हैंग कर सकें। अब हम इसके ऊपर ये पेपर चिपकाएंगे। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा बहुत ही अमेजिंग सा फोटो फ्रेम रेडी हो गया है। ये इसका है फाइनल लुक। सो कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइए एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा।